फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज फिर से एक बार आपकी फरमाइश के साथ अम्मी क्या बनाने वाले? आज चिकन का ग्रीन कीमा। चिकन का ग्रीन कीमा बनने वाला है गाइस। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आज अम्मी भूल गए। मैं जरा ये रुकेगा तो मेरी कहानी शुरू होगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वैसे यार, आज मैं एक लास्ट वीडियो में ना एक कमेंट आया था सना शेख का, तो मैं आज सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैंने इसको पिन भी किया है, तो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हो। उनका कुछ कमेंट ऐसा था, अभी बहुत बड़ा कमेंट किया था उन्होंने। पूरा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है, बट थोड़ा बहुत याद है वो मैं बता दूँ। उन्होंने कहा था कि सॉरी स्पेशली अम्मी, क्योंकि उन्होंने फूड रेस के वीडियो में जाके कुछ हेट कमेंट किया था, यानी कुछ गलत बात शायद उन्होंने की थी, तो कि वही क्लियर कर रहे थे वो लास्ट वीडियो में कि सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपके वीडियो में जाके कुछ गलत कर दिया था, बट अभी मुझे रियलाइज हो चुका है, तो उसी लिए मैं माफी मांगती हूँ। ये मैंने शॉर्टकट में बताया गाइस, आप लोगों को अगर देखना है तो आप जाके लास्ट वीडियो में देख सकते हो। मैंने पिन किया, उनका कमेंट बहुत बड़ा है, तो अम्मी बता दो कि मैंने तो कमेंट के नीचे लिख दिया। तो बेटा देख, सब बच्चों को माफ कर देती हूँ। बच्चे गलती करने के लिए ही होते हैं, मेरा मानना है ये। माँ बाप के आगे बच्चे गलती करते हैं, मैं भी बच्ची समझ के माफ कर दिया। और मेरे साथ बहुत सारे हेटर लोग ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। मैं मेरे बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि बेटा इग्नोर करो और माफ करके आगे बढ़ो। कब तक ऐसे पकड़ के बैठोगे हेटर लोग को? देखो, आपको सामने से रियलाइज है, आपने सामने से माफी मांगे, आपने भी अपना दिल बड़ा किए। मैं ये नहीं बोलती, आप सॉरी बोले, सॉरी बोलने के लिए भी दिल बहुत बड़ा चाहिए। तो मैंने तो उसी टाइम माफ कर दी थी। तो यार, हमारे दिल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इतना वीडियो बनाते हैं, 99.9% हम लोग को लव मिलता है, तो यार क्या बोलते हैं, 0.1% तो हेटर रहेगी। वो तो रहता है, देखो। तो हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हम लोग सब लोगों को प्यार करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी हमें प्यार करते होंगे। तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं चिकन कीमा। और सबको शबे बरात मुबारक। सिर्फ घर में, बाहर नहीं। वैसे तो ये वीडियो लेट मिलेगा आप लोगों को शबे बरात के बाद में, तो गाइस सब्सक्राइब करिए। गाइस, अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो लाइक जरूर करिए, ठीक है? चलो चलो करते हैं। हाँ, नजर मारते हैं अम्मी के इंग्रेडिएंट्स पे कि क्या क्या ऐड करेंगे चिकन के कीमे में। तो सबसे पहले ये चिकन, गरम मसाले, ये एक नींबू, एक कोथमीर, मटाने, दही, नमक, तेल, ये है कोथमीर, हरी मिर्ची, ये गरम मसाले हैं, ये दो प्याज हैं, ये अदरक लहसुन, ये भी प्याज, और इसमें अपने हल्दी धनिया। तो हम अब ये पीसने में लेंगे, ये जो गरम मसाला, ये जो दो जगह गरम मसाला, एक जगह ये तड़के का रखी हूँ और ये गरम मसाला ली हूँ पीसने के लिए। तो ये पीसने के अंदर हम डालेंगे जीरा, एक कमल फूल, थोड़ी सी दालचीनी, 8-10 काली मिरी, 2 बड़ी इलायची, 5-6 हरी इलायची, 3 लौंग, और ये एक जाएगा इसमें प्याज, ठीक है? ये पीसने में जाएगा मसाला, ये इसमें जाएगी ये कोथमीर, ये भी जाएंगे इसमें पीसने में, ठीक है? हाँ, तो ये रहा मेरा ग्रीन मसाला, इसमें अपने सब पीस लिए, कोथमीर, हरी मिर्ची, प्याज, गर्म मसाला जो दिखाई आपको वो पूरा पीस लिए, ठीक है? चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाले में देखो तेज पत्ता, एक दालचीनी, एक इलायची, 4-5 काली मिरी, 2 लौंग, थोड़ा सा जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा इसका फ्लेवर छोड़ देगा मसाले में। हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज हमने सिर्फ दो ही लिए हैं, कट करने में दो ही प्याज कट करने में लिया, और ये प्याज हम लाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये प्याज लाल करके हमारे सालन का कलर चेंज नहीं करना है। प्याज लाल कर लेंगे ना तो ग्रीन सालन
कलर चेंज कर देना है, इसलिए हम इसे सिर्फ हल्का सा पिंक पिंक कलर होने तक एक भाप में करना है बस। ज़्यादा करने से ये कलर खराब हो जाएगा ग्रीन सालन का, इसको हल्का सा बस ठीक है। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, कम से कम 2 चम्मच अदरक लहसुन डालने का है, और वैसे भी मेरे कीमे में पहले से भी अदरक लहसुन लग रहा है। देखिए आप लोगों ने, मैंने कांदा जरा भी लाल नहीं करी होगी, नहीं तो मेरे हर सालन में आपको कांदा एकदम लाल मिलता है, लेकिन ग्रीन सालन है इसमें मुझे कांदा बिल्कुल लाल नहीं करना है। और एक बात, ये कीमा है जो मशीन से करने वाले मशीन से भी करके लेके आते हैं, और अगर नहीं करके देते हैं आपके चिकन वाले, तो ये चिकन आप बोनलेस लाइए, फ्रिज में रखिए, फ्रिज में जम जाता है, फिर उसको आराम से अपनी चॉपिंग बोर्ड पे रख के अपने हाथ से ही कीमा कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है ये, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लहसुन थोड़ा भून लेंगे हम, इसको थोड़ा भून लेंगे 1 मिनट तक। अदरक लहसुन भून लिए थोड़ा, आप हम डालेंगे हम हमारा चिकन, ये पूरा 1/2 किलो चिकन है, ये चिकन में मेरा नमक भी मिला हुआ है ठीक है। अब इसको 5 से 10 मिनट सिर्फ अदरक लहसुन में भूनना है, देखो अभी इसको ना मैंने भून ली पूरा, सिर्फ की काय में भी नहीं, सिर्फ गरम मसाले और अदरक लहसुन और नमक, अब इसका सारा पिसान निकल गया सुंदा सुंदा ठीक है। कितना देर? 10 मिनट भूनने का उसको पूरा पानी से फेंका। अब हम इसमें डालेंगे दही, हमको जो ग्रीन हरा मसाला जो पीस के लाए हैं वो सबके लास्ट में डालना है, पहले हम सब भून लेंगे, क्योंकि अगर स्टार्ट में ही ग्रीन मसाला डाल देंगे तो वो पक पक के ब्राउन हो जाता है, इसलिए पहले हम हमारे सारे मसाले भून लेंगे। अब इसी के साथ हम इसमें ना बटाने भी डाल देंगे, ये बटाने डाल देंगे, अब हम इसको फिर भूनेंगे और 5 मिनट तक, जब तक अब ये दही की स्मेल खत्म नहीं होती ठीक है। चलो हो गया हमारे 5 मिनट, भूनने हमारा कीमा, अब हम डालेंगे इसमें ये हरा मसाला जो हम पीस के लाए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर थोड़ा सा ठीक है। अब हम ये डालेंगे, अब बहुत से बच्चे जो ये चटनी पीस के रखना चाहते हैं ना घर में, तो पीस के रखा करो, क्योंकि ये जो ग्रीन से कलर जो चेंज होता है, तो इसमें थोड़ा सा विनीगर मिला देने का, विनीगर तो हर किसी के घर में होता नहीं है, तो इसके अंदर हम नींबू का रस डाल के रख सकते हैं, मैं भी घर में रखती हूँ हरी चटनी पीस के, लेकिन सब लोग ये बोलते हैं हमारी चटनी काली हो जाती है आंटी, आपकी चटनी कैसे हरी रहती है, तो मेरी चटनी में मैं हमेशा 1 नींबू का रस डाल कर रखती हूँ, और मेरे घर में ठेसा भी पीसा हुआ रहता है हमेशा, लेकिन मेरा ठेसा हमेशा ग्रीन रहता है, तो सब वो भी परेशान होते हैं कि आपके ठेसा हमेशा ग्रीन कैसा रहता है। तो अब हम इसी तरह से ये जो मसाला पीस किया है, अब इसको हम 5 मिनट भूनेंगे अच्छे से,
और इसके अंदर थोड़ा सा नींबू भी डालेंगे ताकि हमारा सारा नाम कलर चेंज कर दे। तो अब इसमें मैं आधा नींबू तो पूरा डालती हूँ। ये नींबू निचोड़ने से आपका सालन ग्रीन ही रहेगा लास्ट तक। चलो अब हम इसको आराम से 5 मिनट भून के आते हैं। देखो हम भून लिए ना 5 मिनट इसको, और आप 5 मिनट भूनो, 10 मिनट भूनो, जितना भूनेंगे उतना अच्छा है। अभी हो गया मेरा कीमा पूरा भुना गया है लेकिन अभी पूरा तैयार नहीं हुआ। अभी इसमें मैं हल्का सा पानी डालूंगी। किसी किसी को एकदम ऐसा सूखा चलता है, किसी किसी को हल्का ग्रेवी चाहिए। हमारे घर में हर चीज़ हल्का सा, थोड़ा सा ग्रेवी। अभी इसको इतना पानी डाले ना तो 2 मिनट अभी दम पे रखेंगे तो ये पानी पूरा सूख ही जाएगा, खाने बैठेंगे तो ये सूखा ही हो जाएगा। तो देखो ये इस तरीके से ग्रेवी है, दिखा दे ना, इसको बोलेंगे सूखा एकदम, ना इसको बोलेंगे पतला, एकदम मीडियम ग्रेवी। इसको 2 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे, 2 मिनट के लिए। हो गए हमारे 2 मिनट, बहुत कीमा हो गया तैयार। हमारा ग्रीन कीमा ठीक है। अब हम इसे डालेंगे थोड़ा सा कोथमीर, नमक अपने स्वाद अनुसार आप लोग चख के डाल देने का। हाँ आप लोग बोलेंगे आंटी ने तो नमक डाले ही नहीं, हम लोग देखे ही नहीं क्यों नहीं डाली मालूम। मेरे ना चिकन में ही पहले से नमक डाल के रखा हुआ रहता है 1.5 चम्मच, तो फिर मेरा सालन थोड़ा खारा ना हो इसलिए मैं ना ज़रा नमक लास्ट में डालती हूँ। लेकिन इसमें मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरे चिकन ने जो नमक था वही कवर कर लिया। ठीक है, फिर इसको हम गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट तक 5 मिनट के बाद सर्व करके खाएंगे। इसमें थोड़ा भाप रहने दो। तो गाइस हरा चिकन कीमा रेडी हो गया है मेरे लिए। पहले तो मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, आप लोग इतने अच्छे अच्छे सजेशन देते हो तो मुझे भी फटाफट मिल जाता है खाने के लिए। ये तो सिर्फ जोक था, मिलते ही रहता है घर में खाने के लिए यार। तो चलो पहले तो मैं टेस्ट करूँगा कि टेस्ट कैसा है चिकन कीमे का। वैसे तो अम्मी बहुत अच्छा बनाते हैं, ज़्यादातर मैं अम्मी के हाथ का वो पीला वाला चिकन कीमा खाया हूँ। अम्मी मेरे हिसाब से शायद मैं फर्स्ट टाइम अम्मी के हाथ का चिकन कीमा हरा वाला खा रहा हूँ। अम्मी मटन में खाए हो बट चिकन में हरा वाला फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। शायद बनाई थी इससे पहले भी लेकिन ये घर में मैं नहीं खाया था, मैं शायद अजमेर में रहूंगा वो टाइम। बीच में 2-3 बार बनाई थी, नहीं घर में नहीं था। एक नंबर, मजा आ गया। और यार बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दोनों हाथ यूज करते हो खाने के टाइम। अब यार रोटी तोड़ रहा हूँ तो दूसरे हाथ से तोड़ूंगा, बहुत से लोग को ऐसा एक हाथ से तोड़ने की आदत होती है, वो सबकी हैबिट। हाँ, जब अपन खाना खाते हैं हाथ धोते हैं तो एक हाथ थोड़ी धोते हैं, दोनों हाथ धोते हैं ना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद भी एक हाथ थोड़ी धोते हैं, दोनों हाथ धोते हैं ना खाना खाने के बाद। तो यार सबका अलग अलग रहता है। अभी मैं ऐसा ऐसा तो नहीं खाता हूँ, रोटी ऐसा तोड़ता हूँ फिर ऐसा खाता हूँ, कुछ हाथ पे लग गया तो चाट लेता हूँ, होता है। बट मैं ट्राई करूँगा ऐसा ऐसा तोड़ने की आप लोगों ने और ऐसा खाने की। और ये अम्मी के लिए। अरे जय जय ना, तू खा के बता मेरा छोटा सा जय जय। मस्त है अम्मी का छोटा सा जय जय है। सही बात है, मेरा छोटा सा जय जय। मैं खाना बनाती हूँ तो ये मेरे को बताता कैसा बना। अच्छा ही बनता है सब। सही बोलूँ तो मैं खाना बनाना कहाँ से सीखी मालूम? मस्त। मेरी बड़ी भाभी जो औरंगाबाद में, वाह आज नाम निकल ही गया उनका, उनके उनके पास रहती थी मैं 2-2.5 साल औरंगाबाद में उनके हाथ के पास नीचे रही हूँ। शादी से पहले ना? शादी से पहले।
तो खाना बनाना ज्यादातर मैं उन्हीं से सीखी हूँ पूरा। आते कभी कभी वो भी शादियों में ज्यादा आते हैं? आते बहुत कम आते हैं, अभी मेरा भी जाना बहुत कम होता है। और दूसरी वजह है खाना सीखने की मेरी, जो मेरे आदमी को शौक है खाना। हाँ, वो तो बाप रे। शायद ही मेरे ख्याल से दुनिया में किसी और आदमी को होगा, उनको नहीं जमता दूसरे के हाथ का। अच्छे अच्छे शेफ, मैं बोलती ना जो खाना बनाने वाले जो होते हैं ना शेफ, अच्छे अच्छे, वो भी नहीं बताएंगे तुम्हारे खाने में धनिया ज्यादा पड़ गया, हल्दी ज्यादा पड़ गया, या तूने अदरक ज्यादा डाल दी, वो बता देते, वो भी बता देते क्या तूने ये करी, मेरे को नहीं खाना। अच्छा, टमाटर नहीं गया ऐसा? नहीं, ये इसमें टमाटर नहीं पड़ता है, ग्रीन चिकन में सिर्फ दही पड़ता है टमाटे की जगह पे। खट्टापन देना ना हमें, तो खट्टापन हम दही से कवर करेंगे, और फिर हमने आधा नींबू भी तो डाले। आपके लिए चिकन कीमा भी आ गया है, अभी और सजेशन देते रहो, मिलेगा एक एक करके रेसिपी, दाल चा भी मिलेगा इंशाल्लाह सब। दूसरे लोगों का मटन कीमा, जरा जरा रुक रुक के, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना बहुत हालत खराब है, परेशानी हो रही है, बहुत हालत खराब है। सामान ला रही हूँ, कैसा कभी बाई चांस बाहर निकल गई, बहुत नज़दीकी दुकान में अगर कुछ पहुँच गया तो फोन करके पूछ लेती हूँ, भाई चिकन आया तो मेरे लिए थोड़ा निकाल के रख दे। मैं अरे जंपर दे क्या लिया मैंने चिकन वाले को वो फोन करता है, वो बच्चा मेरा ऐसा है ना कि बिल्ली नहीं बेटा खा भी, वो कैसा है हमारे मेरे बिल्ली लोग के लिए भी बहुत सारा निकालना पड़ता है, मुझे 2 किलो लाना पड़ता है रोज बिल्ली लोग के लिए ना, तो इसलिए मेरे को फोन नंबर जरूरी है। मेरे 2-3 चिकन वाले हैं बेचारे, उनके लिए नहीं भी जाते हैं तो दुकान बंद करने का फोन करता है कि खाला आओ तुम्हारे मतलब बिल्ली लोग के लिए चिकन निकाल के रखा, आगे लेके आओ। भले मेरे बच्चे लोग के लिए नहीं लाऊं मैं, मेरे बिल्ली के बच्चों के लिए मेरे को बहुत लाने का ये है। हम लोग इतना मना करते हैं बाहर मत जाओ बाहर मत जाओ, अरे रुक बिल्ली लोग के लिए लेके आओ, फिर जाते हो। क्यों, बेजुबान है ना इन लोग, तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे खाना चाहिए खाना चाहिए, वो कहाँ जाएंगे, उन लोग मेरे आंग पे चढ़ते मालूम, ऐसा भूख लगेगी तो खाना दो, हाँ खाना दो, ये बात तो सही है, इसलिए जाना पड़ता है। वैसे यार ये चिकन का कीमा तो बहुत ही जबरदस्त मजेदार है, बोल रहा है इसको बोलने दो मजेदार मजेदार। आप लोग मेरी रेसिपी देख के खुद बनाना, फिर खा के फिर मुझे बताना कि कैसा लगा, वो तो मैं बोलने वाला था। ये तो ऐसा खाएगा तो बोलेगा अच्छा लगा। हाँ तो आप लोग बना के खा के बहुत से लोग मुझे फोटो मतलब इंस्टा पे सेंड करते हैं, जैसे कि यास्मीन या समरीन शेयर करके एक है, उन्होंने मुझे दो दो रेसिपी शेयर की। हमने इससे पहले कौन सी हंडी, दीवानी हंडी, साबुदानी की खिचड़ी, मतलब अभी तक कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं बची है जो कि मुझे किसी ने बना के नहीं भेजा, हर रेसिपी मुझे बना के इंस्टा पे आई है, मिली है। किस किसी की मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि कैसा होता है ना, एक की एक से दो बारी में रेसिपी डाल सकता हूँ, यूट्यूब की तरफ से कुछ रूल रहते हैं तो मुझे वो फॉलो करना पड़ता है, तो नाराज नहीं होने का कि मैं आपकी रेसिपी की फोटो नहीं डाल रहा हूँ, अगले बार आप हाँ, डाल देंगे। जितना हो सके मैं उतना ट्राई करता हूँ कि मुझे फोटो आए तो मैं शेयर करूँ लोगों के साथ, और जिसकी फर्स्ट आती है ये वो डाल देता है, बाद में आप लोग की आती है, और यूट्यूब क्या उधर भी देखना पड़ता है लोगों के, यूट्यूब के रूल क्या है वो हिसाब से। तो चलो फिर मैं तो खत्म करूंगा, बहुत जबरदस्त मजेदार है, तो गाइस जो पहली बार देख रहा है वो अब भी सब्सक्राइब करो जाओ, मैं 2 सेकंड रुक रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, 2 सेकंड रुक रहे, हाथ भी धोना, हाँ अच्छे से हाथ धोना फिर खाना बनाना, अच्छे से हाथ धोना खाना खाना, अच्छे से हाथ धोना तो मुंह को हाथ लगाना सर, तो हाथ धो लिए आप सब्सक्राइब कर दो, तो सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, लाइक शेयर अपने फैमिली तक के पहुंचाओ कि लोग भाई चिकन कीमे की रेसिपी आगे लिए बना बना। चलो तो फिर चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।